मंदिर पर क्यों मुसीबत में सरकार? हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। तो एक तो राम मंदिर बांधा, नहीं तो निर्लज्जा जाहिर करे कि राम मंदिर आसुरा जुमला है। मनो राम मंदिर पर ये बेसब्री क्या सियासी है? मोहन भगवत लॉ नहीं जानते हैं क्या? 2019 में राम जी ही करेंगे बेड़ा पार? आरएसएस ने सरकार से मांग की है कि वो संसद में कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करे, तो शिवसेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दशहरा रैली में अपने इरादे जाहिर कर दिए। मंच पर पहुंचे उद्धव ठाकरे को भगवान राम की मूर्ति दी गई और ऐलान सीधे अयोध्या कूच का हुआ। प्रत्येक बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रूपये टाकना रहा एक जुमला होता तो एक तो राम मंदिर बांधा, नहीं तो निर्लज्जा जाहिर करे कि राम मंदिर आसुरा जुमला है। मनु करा जाहिर मग आम्मी बगुन गए तो काय करायचं ते वर फिरता आहत। पण आज चार वर्ष होत आली, साडेचार वर्ष होत आली, माझ्या देशाचा पंतप्रधान अयोध्येत एकदा सुद्धा का गेला नाही? मंदिर पर उद्धव ठाकरे के ये तेवर संघ प्रमुख मोहन भागवत की सरकार को दी गई वार्निंग के बाद दिखाई दिए हैं। देखिए नागपुर में आरएसएस के विजयदशमी उत्सव में मोहन भागवत ने क्या कहा। वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। वैसे उद्धव ने संघ की वार्निंग और उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। तो शिवसेना पहला दिवसापासून बोलते तसं संघ सुद्धा आता बोलायला लागले आहे। एक चार दिवसापूर्वी भैयाजी जोशी बोललेले आहेत, त्यांनी सुद्धा कान टोचले, कान पिचक्या दिल्या। हे मला असं पिचकं काम कधी जमत नाही। आमच्याकडे एकच आहे, एक तर कारतर कानाखाली आवाज करतो, पण कान टोचणं, कान पिचकिणं वगैरे हे असं काही पिचकट पिचकट आम्ही करत नाही। मंदिर मुद्दे पर संघ और शिवसेना दोनों की फ्रंट फुट बैटिंग पर विपक्ष ने फिरकी से जवाब दिया है। मोहन भगवत लॉ नहीं जानते हैं इसीलिए उनका इग्नोरेंस उनको ये कह रहा है। ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अयोध्या मसले के जमीन के मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से नियमित सुनवाई होनी है और उससे पहले जाहिर है कि राजनीति मैच के आखिरी ओवरों के दौर से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।